आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल की फॉर्मूले टैक्स कैटेगरी की। और रक्षित जी आज हमारे साथ यूएई से मृण जी हैं गो टू मीटिंग पे, क्योंकि जूम ऐप जो है वो जूम ऐप नहीं वर्क करता है यूएई में, हमने गो टू मीटिंग का किया हुआ है। मृण जी आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो मैं भी आपको सुन पाऊंगा। तो आज हम सेशन पे इस बात कर रहे हैं अपनी अगली कैटेगरी की फॉर्मूले टैक्स की। हमने फॉर्मूले कैटेगरी में हमने बात किया था लॉजिकल फॉर्मूले पे, जिसमें हमने इफ एंड इफ एल्स इफ और नॉट वगैरह पे हमने बात की थी। लॉजिकल कैलकुलेशन जितने भी होते हैं उन सब पे हमने आपके साथ डिस्कशन किया था, उस पे हमने टेस्ट भी कंडक्ट किया था, और जहां तक मुझे आइडिया है आपको ये चीजें समझ में आ गई है। ठीक सर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कैटेगरी है हमारा वो टैक्स कैटेगरी है, हम टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलिन जी आपका साउंड, आपका माइक काम नहीं कर रहा है, इसका से आपको नहीं सुन पा रहा हूं मैं। वन मोमेंट सर, किधर है किधर है? मैं आप आ गई आवाज सर, आ रहे हैं ना अभी? ठीक है, तो हम फॉर्मूले में चलिए हम बात करते हैं एक्सेल फॉर्मूले में। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है बेटेक्स का। हालांकि ये फॉर्मूला इंडिया में यूज नहीं होता है, इंडिया का थाई के अलावा कहीं और यूज नहीं होता है। इसका काम क्या है कि थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हमने बेटेक्स फॉर्मूला लगाया तो जैसे 125 है तो इसको इसने 125 बास्ट करके रिजल्ट दिया। या मुझे पता कैसे चला, तो इसको अगर आप कॉपी करके गूगल ट्रांसलेटर पे जाके डालेंगे तो आपको वहां पता चल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रांसलेटर खोलता हूं, अमलिन जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपके बैकग्राउंड में शोर आ रहा है। जब कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा। मैंने इसको पेस्ट किया, देखो 125 बात लिखा हुआ आ गया जी। तो इससे पता चलता है, लेकिन ये हमारे तो कोई काम का है नहीं, क्योंकि इंडिया में तो मोस्टली क्या मैंने मोस्टली तो इंग्लिश में ही होता है 125। लेकिन 125 आपको खुद से लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे करेंगे? मतलब आप कोई बिल वगैरह बना रहे हैं, आपके अमाउंट इन वर्ड चाहिए। लेकिन आपके पास अमाउंट इन वर्ड का फॉर्मूला है जो कि थाई लैंग्वेज में देता है, इंग्लिश में नहीं देता है, लेकिन आपकी जरूरत है। हालांकि ये टॉपिक आगे की टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले सर्च बार में जाए और सर्च बार में लिखे स्पेल नंबर या करेंसी टू वर्ड, नंबर टू वर्ड, ऐसे कुछ जो है ना, ये सर्च करें तो यहाँ आएगा कन्वर्ट नंबर इनटू वर्ड, दिख रहा है आपको? क्लिक करें हेल्प में। हालांकि ये वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग से होगा, तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में जो कोडिंग है वो कोडिंग आपको यहाँ मिल जाएगा हेल्प में, इसलिए मैंने आपको हेल्प में सर्च करने की बात की। फिर आप इस पूरी कोडिंग को उठाएं, नीचे तक जाएं और इसको कॉपी कर ले कंट्रोल सी। उसके बाद डेवलपर टैब में जाके विजुअल बेसिक पे क्लिक करें। ऐसा हो सकता है कि आपके पास डेवलपर टैब ना हो, तो आपको याद रखिएगा अल्ट प्लस F11 प्रेस करना है, करते ही आपको विजुअल बेसिक का प्लेटफॉर्म आ जाएगा। अब यहां पे पेस्ट कहां कीजिएगा आप, तो पेस्ट करने के लिए इंसर्ट मॉड्यूल पे क्लिक करना होगा और पेस्ट कर दीजिए। जैसे कि आप देखेंगे हेल्प में इसने बता रखा है शुरुआती में यहाँ कि आप विजुअल बेसिक पे जाएं और यहाँ मॉड्यूल्स पे क्लिक करें और पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद आपका वो काम नहीं करेगा, पेस्ट करने के बाद कहीं कहीं पे गलती होने का चांसेस है। तो गलती कैसे पता चलेगा? गलती पता चलेगा कि वो लाइन जो है रेड हो जाएगा। तो ये अंडरस्कोर लगा है तो इसको एंटर प्रेस करना है।
इसलिए अंडरस्कोर लगा हुआ है, एक लाइन में लिखा हुआ आ गया। तो और देख लीजिए कहीं और का यहाँ है, मतलब कि ए एक इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, बस दो ही एरर दिक्कत आते हैं। तो देख लीजिए रेड लाइन, अभी आपका फंक्शन यूज करने के लिए तैयार है। फंक्शन का नाम है स्पेल नंबर और इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए $1,256.09। अब मान लीजिए कि अब इंडिया में यूज करते हैं तो इंडिया में डॉलर तो नहीं चलेगा, इंडिया में तो रुपी चलेगा, या कहीं और कंट्री से आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि मिलिन जो है वो यूएई से है तो वहां दिनम चलता है जी। तो आप इस कोड को एक बार नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ें और देखें कि इन्वर्टेड कॉमा में कहां पे डॉलर लिखा हुआ है। यहां देखिए इन्वर्टेड कॉमा में नो डॉलर लिखा हुआ है, आप इसको नो रुपीज कर दीजिए, यहाँ डॉलर लिखा हुआ इन्वर्टेड कॉमा में, एज को चेंज नहीं कीजिएगा, ठीक है, विदाउट इन्वर्टेड कॉमा जो होगा उसको चेंज नहीं करना है, जो इन्वर्टेड में डबल कोटेशन मार्क में है उसी को चेंज करना है। और इसको यहाँ पे हमने लिख दिया रुपीज, और यहाँ भी हमने लिख दिया, दो तीन जगह चेंज करने पड़ेंगे आपको रुपीज। और ऐसे ही सेंट है तो सेंट के जगह पे पैसे, दिनम में क्या होता है सर, जैसे सेंट होता है पैसे होते हैं, दिनम में क्या बोलते हैं? फिल्स। अच्छा नहीं पता था सर, फिल्स फिल्स या फ्रेड अपगर। तो आप इसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद आप देखिए, अब इस पे डबल क्लिक करके एक बार एंटर मारूंगा तो हमारा चेंज हो जाएगा कि 1,256 रुपीज एंड नो पैसे। अब नो पैसे नहीं लिखना चाहते हैं आप तो नो पैसे का जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको आप ब्लैंक कर दीजिए। तो आपका अब नो पैसे नहीं आएगा। अगर इसमें पैसे दिया गया है तो फिर आपको आएगा, देखिए ठीक है, सबको समझ में आ गया जी सर। आशीष जी, अक्षित जी एंड विक्की जायसवाल जी, आपको समझ में आया जी सर? अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब टेक्स्ट फॉर्मूले की कैटेगरी की तरफ घूमते हैं। तो इसमें देखिए कैर, अब देखिए यहाँ पे एक चीज जान लीजिए कि हमारे पास अगर मैंने यहाँ पे वन लिखा, सॉरी ए लिखा, तो सिस्टम में एक कोड का फॉर्मूला है जो इसकी स्काई वैल्यू निकाल के बताता है कि इसका कोड 65 है, और एक फॉर्मूला कैर का है जो उसको वापस करेक्टर में कन्वर्ट करती है। तो कोड फॉर्मूला करेक्टर के कोड को बताता है और कैर फॉर्मूला उस कोड से करेक्टर को बताता है। हालांकि आप सोच रहे हो कि इसका यूज नहीं है, तो थोड़ा देर पहले आपको थोड़ा देर में इसकी यूजेज को हम समझाते हैं। अब मान लीजिए, अब इसमें ये तो हो गया, अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई डेटा है तो उसमें हम लोग हो सकता है कि काफी सारा नाम लिख दे, जैसे मैंने काफी नाम के अंदर काफी सारा स्पेस दे दे, या अनवांटेड स्पेस हो, ठीक है, अनवांटेड स्पेस हो। अब इस अनवांटेड स्पेस के लिए क्या करेंगे, रिमूव करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ट्रिम का। तो ट्रिम याद रखिए, एक बच्चे को मैंने कि कुछ ऐसे बच्चे बोल देते हैं कि सर ट्रिम स्पेस रिमूव करता है, जी नहीं, ट्रिम स्पेस रिमूव नहीं करता है, ट्रिम जो है रिमूव करता है सिर्फ 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 नन, क्या बोलते उसको, अनवांटेड स्पेस को। यहां देखिए सुजीत और कुमार के पास कई सारे स्पेस है, सारे स्पेस को रिमूव कर दिया लेकिन एक स्पेस छोड़ दिया, क्योंकि एक यहां जरूरी है। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया सुजीत और हमने एंटर करके यहां पे कर दिया कुमार। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि हम ट्रिम लगाते हैं, तो ट्रिम में यहां देखिए सुजीत कुमार आपको दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसमें लेन कमांड डालूंगा,
लेन क्या करता है, किसी भी सेल वैल्यू का लेंथ बताता है कि इस सेल के अंदर जो नंबर्स डले हुए हैं, जो करेक्टर डले हुए हैं, उनका लेंथ क्या है। तो लेंथ बताया 12। सर कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन सुजीत कुमार जी, बोलिए। सर ये जो अपना ट्रिम का परमल लगाया उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी रिमूव करेगा क्या ये? नहीं नहीं, ओनली फॉर स्पेस, ओनली फॉर स्पेस। ओके, अब यहाँ पे अब देखिए ऑल्ट एंटर करने पे क्या होता है, वो रैप टेक्स का सिंबल आ जाता है। तो ये तो मेरे पास विंडो 10 है, अगर आप एक्सपी में इसको खोलते हैं, मैं पहले एक्सपी में खोलता था तो टी और के बीच में क्वेश्चन मार्क आ जाता था, जो कि होता था नॉन प्रिंटेबल करेक्टर, नॉन प्रिंटेबल करेक्टर हुआ करते थे। तो ट्रिम का काम होता है उस नॉन प्रिंटेबल करेक्टर को रिमूव करना। जैसे कि यहाँ पे देखिए ना, सुजीत और कुमार का काउंट 12 दिखा रहा है, लेकिन होना 11 चाहिए। तो इसमें होना 11 चाहिए लेकिन दिखा रहा है 12, मतलब एक करेक्टर ज्यादा है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्लीन का। क्लीन क्या करता है कि इसको क्लीन करता है, अब देखिए आप, क्लीन करता है। अब यहां पे देखिए, अब लेन फॉर्मूला जो है इसको 11 दिखा रहा है। अब देखने में देखिए दोनों सेम जैसे लग रहे हैं, आप बोलेगा सर इसका क्या हम यूज करेंगे। अब देखिए देखने में सेम लग रहा है, अब लेकिन इसको अगर आप इक्वल करेंगे तो दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। तो आगे चल के वी लुकअप, एच लुकअप, ऐसे इफ कंडीशंस, ऐसे फॉर्मूले में ये आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता। ठीक है, सो यहां पे हमने यूज किया। लेकिन कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं कि यहां पे हमें स्पेस देना चाहिए था, मतलब कि मैं बात कर रहा हूं कि रैप टेक्स वाली जो करेक्टर होती है उसको नॉन प्रिंटेबल करेक्टर कहते हैं, उस करेक्टर को रिप्लेस करना स्पेस से। समझ गए? तो चलिए हम बात करते हैं कि किसी सेल वैल्यू के अंदर किसी सेल वैल्यू को किसी सेल वैल्यू के अंदर किसी पर्टिकुलर करेक्टर वर्ड सेंटेंस को किसी अनदर करेक्टर वर्ड सेंटेंस से रिप्लेस कैसे किया जाए। तो उसके लिए यहां पे हम लगा रहे हैं फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, हमने बोला कि इन्वर्टर कॉमा में डॉट को डैश यहां पे डैश से कन्वर्ट कर दे। तो जितने भी डॉट थे उसको डैश में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पे देखिए एक इंस्टेंस नंबर है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में है, आम बोलचाल के भाषा में इसको बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, इसका मतलब ऑप्शनल है। अगर मैं यहाँ पे कॉमा 1 देता हूं तो पहले पोजीशन की डॉट को डैश में कन्वर्ट करेगा, 2 देता हूं तो दूसरे पोजीशंस की, मतलब कि यहाँ पे जो पोजीशन डालोगे उस पोजीशन के अकॉर्डिंग करेगा, अगर नहीं डालते हो तो ओवरऑल करेगा। तो ये आपका सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला है जो कि किसी सेल वैल्यू के अंदर किसी पर्टिकुलर करेक्टर वर्ड सेंटेंस को अनदर करेक्टर वर्ड सेंटेंस से रिप्लेस करता है। लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला है रिप्लेस से रिलेटेड जो कि रिप्लेस है। रिप्लेस का काम भी है वर्ड को अनदर वर्ड से करना, लेकिन क्या है कि रिप्लेस जो है वर्ड के हिसाब से नहीं, पोजीशन के हिसाब से रिप्लेस करता है। मतलब ये बोलता है कि सेल वैल्यू के अंदर चौथे नंबर से एक लेटर को रिप्लेस करना है हमें इसमें। ठीक है, तो ये क्या हुआ, चौथे नंबर, मतलब कि 1, 2, 3 और डैश 4 है, 4 नंबर से एक करेक्टर को, अगर मैं यहाँ पे 2 करेक्टर कर दूंगा तो डैश और 3 दोनों को रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेस फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होता है। बट प्रॉब्लम हमारे पास वही है कि मैं अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाता हूँ, क्योंकि रिप्लेस तो लगेगा नहीं, हमें सब्स्टिट्यूट ही लगाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट को लगाते हैं, और इसको हम बोलते हैं, अब यहां पे ऑल्ट एंटर तो हम प्रेस कर नहीं सकते,
गलत हो जाएगा ना। और रैप टैक्स का कोई कीवर्ड में टाइप करने का कोई है नहीं, तो हम यहां पे इसकी मदद लेंगे। हम क्या करेंगे कि एक सेल में ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे। अब एक लेटर है, एक करेक्टर है, इसका स्काई कोड तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे इस कोड से इसका कोड नंबर निकाल लेते हैं। तो पता चला 10, मतलब कि कैर फॉर्मूले के अंदर में अगर हम 10 एंट्री करूं तो सिमिलर रैप एंटर होगा। इसको हमने साबित भी कर दिया दोनों को लॉजिक लगा के, ट्रू है। तो यहां मैं सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लूंगा और सब्स्टिट्यूट के फॉर्मूले में सेल वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा और यहां पे कैर 10 एंड कॉमा हम यहां दे देंगे और रिजल्ट आपके सामने है। तो रक्षित जी, विक्की जायसवाल जी और हमारे डेमो क्लास वाले हैं मिलिंद जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। जी नहीं सर। इससे आपने क्या सीखा सर? एक अपना कंट्रोल एफ करके एक रिप्लेस का जो फॉर्मूला है, जहाँ पे जैसे वो तो जो भी डॉट है उसको अपन वो फॉर्मूला नहीं है, कन्वर्ट कर सकते हैं, वो रिप्लेस है, वो एक ही बार कर देगा ना, आपको बार बार उसको यूज मतलब अप्लाई करना पड़ेगा, बट ये फॉर्मूला है, ये ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक अप्लाई होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे नंबर बढ़ा घटा दूं, एक और डॉट दे दिया तो ऑटोमेटिक कर देगा रिप्लेस, एंटर मार देगा। इससे ये सवाल पता लगता है कि आप जब, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिपोर्ट ऑटोमेशन, तो आप किसी फॉर्मूले को देख के मत समझो कि फॉर्मूला अनयूजुअल है, क्योंकि आपको इसका यूज नहीं पता। अगर मैं इस मेथड को हटा दूं, तो आप कैर एंड कोड को एक अननेसेसरी फॉर्मूला बोलोगे ना, क्या इस्तेमाल करना है? जी सर। क्या, लेकिन हमने यहाँ जो इस्तेमाल किया ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब बोलेंगे सर ये तो सर आपने एग्जांपल बताया, लेकिन हमारे ऑफिशियल लाइफ में तो नहीं आएगा सर। तो आता है, जैसे कि आप किसी अनदर डेटाबेस से, अनदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डेटा को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो वहां पे कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जो कि आपके एक्सेल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो वहां पे डैश दिखता है। ठीक है जी सर। तो आपके पास ऐसे करेक्टर आए तो उसे करेक्टर को आप रिप्लेस कर सकते हैं जो कीवर्ड में नहीं है। अब आते हैं, बहुत सारे चीज आते हैं जो कीवर्ड में नहीं होते, जैसे कि ये वाई है, अब देख रहे हैं, अब एक करेक्टर अभी करेक्टर देख लीजिए, ठीक है सर। अरे इसको हमने टाइप अलग से किया है, कीबोर्ड में नहीं होता है, लेकिन हमने शॉर्टकट से टाइप किया है, अल्ट के साथ नंबर की दबाते हैं तो कुछ ना कुछ आ जाता है। अब मैंने इसको कोड फॉर्मूले के तहत देखा, इसका कोड 63 निकला है, मतलब कि मैं कैर के अंदर 63 डाल लूं तो रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक क्वेश्चन मार्क का है, कोई ऐसा शो नहीं कर सकता, तो ऐसे केसेस में रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये भी पूरे तरह से काम नहीं करता, ये भी कहीं पे रुक जाता है, जब रुकेगा तो आप मुझसे सपोर्ट ले लीजिएगा। आगे बढ़े इसमें, अब कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि केस कन्वर्ट करने का। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अपर का, जो कि सेल वैल्यू को अपर में कन्वर्ट कर देती है। ऐसे हमारे पास एक लोअर का फॉर्मूला है जो कि लोअर को कन्वर्ट कर देती है। तो बोले सर इसको क्या, हमें इसका क्या बेनिफिट है? देखिए बेनिफिट है, अब यहीं पे बात करते हैं सब्स्टिट्यूट का। तो नंबर पे है इसलिए ना, अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूं सिटी इज दिल्ली इन इंडिया, अब मुझे दिल्ली को न्यू दिल्ली में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लिया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने बोला कि दिल्ली
कन्वर्ट हो जाए न्यू दिल्ली में, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। अब जैसे कि मैं इसका डी स्मॉल कर देता हूं, तब देखिए दिल्ली रहा, ये कन्वर्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये हमारा केस सेंसिटिव है, ठीक है, तो मुझे भी इसको छोटा करना पड़ेगा, तभी जाके ये कन्वर्ट करेगा, अदरवाइज कन्वर्ट नहीं करेगा। लेकिन ये तो प्रॉब्लम होगी ना सर, तो उस केस में हमने क्या किया, अपर फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, हमने दोनों को अपर में कन्वर्ट कर दिया। अब लिखे चाहे जैसे भी, हमारा सिस्टम अपर में उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब आपका ठीक है, लड़ दे रहा है। अब बोलोगे सर बाकी सब तो यहां पे अपर में लिखने, तो अपर भी हो गया, तो इसको आप लोअर में कर दीजिए। प्रॉपर प्रॉपर करता है, प्रॉपर क्या करता है, एक प्रॉपर भी होता है, प्रॉपर करता है प्रॉपर में कन्वर्ट, मतलब कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देता है। क्लियर है सर? तो मिलिंद जी, विक्की जसवाल जी, अभी मैंने आपको टेक्स फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट बताया है, बेसिक पार्ट, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, हम इसको अगली क्लास में अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है? यस, जो कि इसके कुछ एडवांस एंड कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये फाइल की जरूरत है आपको? यस सर, ठीक है, फाइल मैं आपको भेज देता हूँ, और रिकॉर्डिंग तो आपने कर ही लिया है, और मिलिंद जी ये रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा थोड़ी देर में। जी सर।